मम्मी जी, अब तक तो राहुल को फूल भी मिल गए होंगे, फिर भी राहुल का कोई फोन नहीं आया। रिलैक्स मानवी, मीटिंग में फंस गया होगा, और उन फूलों में तुम्हारा नाम थोड़ी ना लिखा था। वही तो मम्मी जी, अगर वो फूल किसी और ने भी भेजे थे तो भी राहुल को मुझे फोन करके बताना तो चाहिए था ना। और फिर मैंने सोचा कि अगर उसको मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आएगी तो जब वो मुझे फोन करेगा मैं बता दूंगी, लेकिन राहुल मुझे फोन ही नहीं कर रहा। मम्मी जी मैं क्या करूं, वो क्यों फोन नहीं कर रहा है मुझे? मम्मी जी राहुल का फोन। हेलो। हे मानवी, बिजी तो नहीं हो? मैं नहीं, नहीं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ, बोलो। एक्चुअली तुम्हें बहुत जरूरी रीजन से फोन किया था मैं। अच्छा, आज रात के बारे में बात करनी है? अरे वाह, तुम्हें कैसे पता चला? एक्चुअली आज रात का ना खाना मत बना, क्योंकि मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, तो मैं खा के आऊंगा। अच्छा, अब मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती राहुल, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, मुझे ना काफी लेट हो जाएगा, तो तुम मेरी वेट मत करना, तुम खाना खा के सो जा। ओके? बस यही कहने के लिए फोन किया था। Are you mad? ये बात तो मैं कुक को फोन करके भी कह सकता था ना, तुमसे कोई और बात करनी। अच्छा तो बोलो राहुल, मैं सुन रही हूँ। जिस क्लाइंट को मैं मिलने जा रहा हूँ ना, वो क्लाइंट बहुत बहुत खास है मेरे लिए, तो मैं सोच रहा था कि मैं अच्छा दिखूं। You know, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा ना। तो एक काम करना, वो तुम्हें याद है मैंने लास्ट टाइम एक पार्टी में एक टक्सीडो पहना था? You know, that blue tuxedo जिसे तुम कह रही थी कि मैं बहुत अच्छा दिख रहा था, वही वही टक्स पहनना चाहता हूँ। किसी बॉय के हाथ भिजवा दो। हाँ ठीक है, भिजवा दूंगी सूट। और कुछ कहना है या फोन रखूं? अरे नहीं नहीं, फोन मत रखना, ये बात करनी है अभी। हाँ बोलो, सुन रही हूँ मैं राहुल। तुम्हें मालूम है मैं मीटिंग से बाहर निकला तो मैंने क्या देखा? बोलो राहुल, सुन रही हूँ मैं, क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि मेरा वॉलेट नहीं है। क्या, बस यही देखा तुमने? हाँ यार, अब से जरूरी क्या होगा। देखो मैं जिस क्लाइंट को मिल रहा हूँ ना आज, मैं चाहता हूँ कि उसे किस अच्छी एक्सपेंसिव 5-स्टार टाइप की जगह पे लेके जाऊँ, तो स्टूडियो में तो कैश होती नहीं है, तो तुम एक काम करो, मेरे वॉलेट में ना मेरे वो हाई क्लास वाले क्रेडिट कार्ड डाल के भिजवा दो। हाँ ठीक है, भिजवा दूंगी मैं। ओके लो मम्मी जी, आपने सही कहा था, आपका बेटा बुद्धू नहीं है, महाबुद्धू है। बुद्धू कहीं का। खाना बनाना आता है तुम्हें? मालकिन आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और क्या क्या काम आता है? नाच लेते हैं। What do you mean? बिल्कुल ऐसे ही हमको चोट लगी। जब तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की। मैं तो सारी जिंदगी भगवान को मानती रही, लेकिन फिर भी इस घर ने कितना कुछ झेला। अब भले ही तुम लोग इसे अंधविश्वास मानो, लेकिन मैं नहीं चाहती अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति रहे। सर! ए, रुक! ए, रुक! ए, रुक! अरे मार, मेरे दोस्त सामने से मार! इस तरह छुप के वार करने में कोई बर्तानगी नहीं है।